नमस्कार पार्वती धौल एक्सप्रेस को स्वागत कुछ मिलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोइसा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। बिजुली दर वृद्धि प्रतिवाद रे बीजेपी रणहुंकार बीजेपी सांघातिक अभियोग सरकार त्रुटिपूर्ण परिचालनार फल भोगुचंती उपभोक्ता राज्यवासी को भुआ बुलाउचंती विद्युत कंपनी आज सारा राज्य में गड़ा बस तीन मस पर पुणी चलचंचल बस स्टाण स्मार्ट सिटी सोहल्टी रूट्रे चलला मो बस सेपटे बादामबाड़ी बस स्टाण्रु भी गड़ा बस पांच दिन पर राज्य में 1700 तले संक्रमण 24 घंटा रे 1648 पॉजिटिव चिन्हट विशेषज्ञ कहिले कोविड नियम मानिले मासे बेलकु 1000 तले रहिबो संक्रमण न मानिले अगस्ट रु अक्टोबर भितरे आसीपारे तृतीय लहर। आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में प्रबल वर्षा ट्विन सिटी समेत उपकूल उत्तर ओडिशा को वर्षा अलर्ट आंचलिक पानीपाग सूचना पांच दिन जाए प्रबल बर्षिबो। मो साइकिल रे महादुर्नीति 25,000 किणा 500 बिक्री खत खाऊ मो साइकिल योजना करी टंका हड़प अभियोग दुर्नीति विरोध में गर्जिला बीजेपी कार्यानुष्ठान दाबी। बिजुली दर वृद्धि प्रतिवाद रे बीजेपी रणहुंकार उपकूल ठारु उपांत पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रतिवाद करछि राज्य बीजेपी विभिन्न स्थान रे दल विक्षोभ करबा सहित धारणा रे बसतिला बिजुली दर कम करी साधारण जनता को न्याय देबा पई गर्जन करिछंती राज्य बीजेपी कर्मकर्ता सरकारक त्रुटिपूर्ण परिचालना पई उपभोक्त समस्या रे पडुछंती बोली अभिजोग आनिछि बीजेपी। उपभोक्ताको उपरे बिजुली बोझ अघोषित विद्युत काट पाई दोहगंज राज्यवासी राज्यवासी को भुआ बुलाउछंती विद्युत कंपनी सरकार को त्रुटिपूर्ण परिचालनार फल भोगुछंती उपभोक्ता प्रतिवाद रे बीजेपी रणहुंकार राज्य में बढ़ी चली अघोषित विद्युत काट आउ ता सह बढ़ुछि बिजुली दर बिजुली दर वृद्धि साधारण जनता पाई चिंतार कारण पलटिछि कोरोना काल में लोकों पर विद्युत दर वृद्धि बोझ नलिता पीड़ा भि यार प्रतिवाद रे आंदोलन को ओह्लाई राज्य बीजेपी राज्यर सबु जिले विक्षोभ और प्रतिवाद करुछि दल बिजुली जोगाणर भित्तिभूमि सजाड़ी केन्द्र सरकार ओडिशा को शह शह कोटी टंकार सहायता देछंती अर्थ केमिति और क्यों क्षेत्र में खर्च होइछि से नै राज्य सरकार श्वेतपत्र प्रदान करंतु बोली बीजेपी नेता दाबी करिछंती। 250 टंका दौथला विद्युत बिल बर्तमान समय विद्युत बिल 800,000 टंका दबाकु पड़ला केन्द्र सरकार जो भली भाव विद्युत संस्कार पाई पैसा दौंती हजार हजार कोटी से पैसा जाऊँच कड़े राज्य सरकार नौ कड़े पुलिस भाई मैंने अच्छा से माने भी अनुभव कर विद्युत अभाव कौन समस्ते जानूं विद्युत अभाव आज कौन हो छोट पिला पाठ पढ़ी पार नहीं मोबाइल चार्ज बर्तमान नवीन करदे सब जगह मोबाइल रे पाठ पढ़ छुआ मोबाइल भी चार्ज करी पाठ पढ़ना राज्यवासी को भुआ बुलाई विद्युत कंपनी मन इच्छा बिजुली काट कर मन इच्छा बढ़ाई चली बिजुली दर गत 6 मास भितर ओईआरसी विद्युत दर में यूनिट पिछा 50 पैसा वृद्धि कर महामारी समय कंपनी एभली निष्पत्ति जो साधारण लोकों मुंडे चड़क पड़ी राज्यर 92 लक्ष उपभोक्ता सरकार त्रुटिपूर्ण परिचालना समस्या पड़ुछंती बोली अभियोग एवं वर्तमान जो दर वृद्धि ताकु तुरंत कम करवा पावर कट बंद करवा एवं जो 7,000 पिला बेकार कर टाटा कंपनी नेलापुर जो चाकरी जाए पुनः बाहल करवा दाबीरा जे घेरौ चल सरकार बर्तमान 3,000 कोटी टंका उपरे बड़ बड़ इंडस्ट्रीज उपरे पकई रखिछन्ति तेणु सेटाकु से माने से टंका आदाय करि परनांति बड़ बड़ इंस्टिट्यूशन अछि जोडा गवर्नमेंट कॉलेज सब अछि सेठी मध्ये कोटि कोटि टंका पड़ी रहिछि तार मध्ये किछि करि परनांति किंतु एठि 92 लाख उपभोक्ता जो माने सब अछन्ति तांको उपरे से माने लदि चलछन्ति चासी माने जन डिबुरेल करिछन उठा जलसेचन पॉइंट माने बइछन के मेगा लिफ्ट अछे से गुडा को चलवारे व्याघात घटुचे जार फल चाषी मैंने नहीं नथिबा क्षतिग्रस्त हो तो भलिया जेन विद्युत उपभोक्ता मानकर उपरे जेन अन्याय अत्याचार चलीछे बा टाटा कंपनी लुट चलीछे इटा के बंद करबार लगे राज्यवासी को ये लुट रु मुक्त करबार लगे समस्त विद्युत विभाग कार्यालय सामने भारतीय जनता पार्टी पक्षर आज धारणा दिया बिजुली दर वृद्धि प्रतिवाद रे आज उपकूल टू उपांत पर्यंत बीजेपी प्रतिवाद करिछि
विभिन्न स्थान में दल विक्षोभ करने धारणा बसी दर कम कर साधारण जनता न्याय देवाई गर्जन कर राज्य बीजेपी कर्मकर्ता आज सारा राज्य में चलला बस प्राय तीन मास परे स्वाभाविक होइछि बस सेवा एप्रिल 10 रु राज्य बाहर को एवं मे 5 रु राज्य भितरे बस चलाचल बंद रही थिला। एक तारीख रु 20 टी जिले रे एवं एबे अवशिष्ट 10 जिले रे बस चलाचल को अनुमति दिया जायछि। गडिला बस स्वाभाविक खेला जीवन यात्रा आज राजधानी भुवनेश्वर गडिला मो बस महामारी दीर्घ तीन मास बस चलाचल बंद रही आज 16 रूट्रे मो बस सेवा आरंभ हो प्राथमिक पर्यायर 87 बस चलो सोमवार शुक्रवार सकाळ 7 संध्या 6 पर्यंत मो बस चालू रहिबोसी यात्री को छिड़ा हो अनुमति दिया बस यात्री मानक मास्क पिंधा बाध्यतामूलक मास्क नथिले मो बस रे चढ़ा दिजा ना तेरे सप्ताहत मो बस सेवा बंद बहुत खुशी लगुच बस बंद होता बहुत असुविधा होता जाइए ना बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ता है बहुत खुशी लगुच आगू चली रहू बहुत सुरक्षित अच्छी बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था होती बहुत समेत मास्क पिंधिक जी सीट से बस बहुत खुशी लगुच बादामबाड़ी बस स्टाण रु भी आरंभ हो बस सेवा आज बादामबाड़ी विभिन्न जिला को घड़ी बस बस संख्या रे सेतेटा अधिक नथिले भी आज यात्री संख्या अधिक नथिला तबे बस और यात्री चलाचल पर बादामबाड़ी उपरे निर्भर करुवा छोट छोट दोकानी माने आश्वस्त होती यात्री चलप्रचल रही ऑटो चलाचल भी स्वाभाविक हो सबुआड़ गाड़ी आसी ना अल्प गाड़ी कि चली कनेक्शन गाड़ी सब आसला सब रूट्रु लोक हम बोले आम विश्वास करुचु बर्तमान आम जेहेतु साहस भिड़ीचु खाली गाड़ी बर्तमान आम लगे जा गोटाए दुटा लोक गड़ुंट समस्त को पैसेंजर पर सेवा करने चाहूँ एवं गवर्नमेंट को प्रतिश्रुति देखु सोमवार टू गाड़ी चलो बोली आमर सभापति से ही उद्देश्य गाड़ी बर्तमान आम चलु बहुत असुविधा होता है खायापी गाड़ी तो चलू ना गाड़ी पूरा टोटाल बंद होता जहाँ आम इमरजेन्सी पेसेंट नहीं जा भी अल्प अल्प भड़ा होता टोटाली टोटाल गाड़ी ही बंद था बहुत असुविधा होता है आसिक देखु खंडगत बस चलुच्छे जीवापी टे सुविधा होगुरु जो बैक फाइक जाऊ अधिका खर्च होता ये गाड़ी मटर चलिए सुविधा हे कि टाइम टेबुल ना ये असुविधा किसी लोक मानुं कि सेमती चढ़ामा होस्ट होती जमी आ कि लोक मानुं बस बंद आम स्टाण 350 दुकान बंद माने माल पत्र भल मंद सब घाटा घाटा खोला मैंने आज चल चल बहुत खुशी बेपार हो न बहुत खुशी कोरोना पई दीर्घ दिन होबा बंद रहिथिला बस चलाचल तबे संक्रमण कमिबा परे एबे पुणी धीरे धीरे पूर्वावस्था फेरी पाइछे। कटकरु विश्वजीत दास और भुवनेश्वर स्वप्नांजलि महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रहबो समीक्षक ब्रेक रो स्वागत। ओडिशा रे कमुची कोरोना संक्रमण 5 दिन व्यवधान में पुणि थे राज्य में दैनिक कोरोना संक्रमण संख्या 2000 तलकू खसी गत 24 घंटा रे राज्य में 1648 जन आक्रांत चिन्हट होती कटक खोर्धा समेत 3-4 जिले में संक्रमण 100 ऊपर रही स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते कोविड नियम मानिले मस शेष बेलू हजार तले रही टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रेसिंग और टीकाकरण को गुरुत्व दि जाऊँ आम टेस्टिंग लैबोरेटरी बढ़ाऊ जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र स्वास्थ्य भित्तिभूमि जहाँ अच्छी आम त्वरान्वित कर तृतीय लहर को सामना करूँ कटक और भुवनेश्वर संक्रमण प्रायतः स्थिर हो रही जहाँ डीएमई टीसीबीके महांती कहते ओडिशा कोरोनार स्थिति थिकटेल फेनोमेनन अवस्था रही अर्थात संक्रमण कमिकी स्थिर अवस्था रही गत किछि दिन धरी ए ट्रेंड लागि रही अन्य किछि राज्य रे भी ए स्थिति लागि रही तेबे आगो को संक्रमण कमिबो बोली आशा करा जाउछि एथिबे समस्त को कोविड नियम मानिबा को पड़िबो तेपरि स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र कहिछन्ती लोक माने कोविड नियम मानिले मास शेष बेलू हजार तल को आसिबो संक्रमण अगस्ट रु अक्टोबर भितरे आसी पारे तृतीय लहर एथिपई सतर्क रहबा को पड़िबो देखु अनेक राज्य में कौन है पीक रु कमिकी सिग्निफिकेंटली कमिकी प्राय 80-90% कमिकी गोटे तले गोटे बेस लेवल रही जोटा कि कहते थिक टेल फेनोमेनन
ଆସିଡ୍ ଟେଲ୍ ଫେନୋମେନ ଆଉ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାଟି ଟେଲ୍ ଫେନୋମେନ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, କେରଳରେ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଇଛି, କେବଳ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ବି ହେଇଛି, କମି ଆସିକି ହଠାତ୍ ଜିରୋ ହେଉନି, କାରଣ ଏଇଠି ଟିକେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଲେଭୁଲ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆହୁରି କମିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ କରାହେଉଥିଲା, ତଳଆଡ଼େ ତଳମୁଖା ଅଛି ଗ୍ରାଫ, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉ ବା ଟୋଟାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଉ, ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଜମା ଟେଷ୍ଟିଂ ସେ 37,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଛୁଟି ଦିନେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି କମିଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଏତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କମିନି। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଟିବ ଭଳିଆ ରହୁଛି, ଆପଣ କେରଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫେନୋମେନ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଇଏ କେଉଁଠି ଆମର ଯେତିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଭିତରେ ବିଲୋ 500 ଅଛି, 300-400 ଏହା ହିଁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ। କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି, ଏଯାଏଁ 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏବେ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଓ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 100% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ କିଭଳି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଳନ ହେବ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କଟକଣା ଖିଲାପ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। କେସେସ୍ ବହୁତ କମିଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି 1000-1000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ଆମେ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ପାଖାପାଖି ଆମେ କେସ୍ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମର କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ଲାଟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ପ୍ଲାଟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ଖସିବାର ହାର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ 2 ମାସ ହେଲା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଜୋରଦାର ଭାବରେ କରିଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରିସାରିଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ କି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେଇସାରିଛୁ। ପୁଣି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଦାଦାଗିରି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ। 18 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ସୁବାସ ନାୟକର ଶବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲା ନୀଳାଚଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଯୁବକ ଜଣକ କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଭୋର 4ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିଲା। ମେଡିକାଲର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଔଷଧ ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବାକି ଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶବ ଛାଡ଼ିଛି ହସ୍ପିଟାଲ। କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମେଡିସିନ ପତ୍ର କିଣିଲି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଠି ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ପୁଅଟି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା, ପୁଅ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବି ତାକୁ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାହବନି, ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଦିଆହେବ ବିଏମ୍ସିକୁ ଆମେ କହିକି ଦେବୁ ଯେ ଆମ ପେମେଣ୍ଟଟା ନଦେଲେ ଆମେ ଦେବୁ କେମିତି? ସେ କଥା କହିକି ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଠୁ ନେବି କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ, 22 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଉନି, ଆମର ସେସବୁ ବାନ୍ଧେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଣିବି ନା ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବି? ଏତିକି ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସାଇକେଲରେ ମହାଲୁଟ, କବାଡ଼ିଖାନାରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ମୋ ସାଇକେଲ। 25,000 ଟଙ୍କାର ସାଇକେଲକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ମୋ ସାଇକେଲରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, 25,000 କିଣିଥିଲେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 500, ପଇସା ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ଦଲାଲ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ। କବାଡ଼ିଖାନାରେ ଖତ ଖାଉଛି ଶହ ଶହ ମୋ ସାଇକେଲ, ଯୋଜନା କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ଦଲାଲ। ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନିରବ।
जहाँ को नहीं बर्षा सह रास्ता कोल्हाई विक्षोभ प्रदर्शन करी राज्य बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कही साधारण जनता टिकसदाता अर्थरू खर्च हो बेले किलो हिसाब से 40 टंकरे बिक्री होचे साइकिल 25,000 टंकरे किणा जाइतबा साइकिल को मात्र 500 टंकरे बिक्री करा जाउतबा बीजेपी अभियोग करिछे। एही दुर्नीति विरोध में शिशु भवन छक निकट में आज भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जाइतला। 100 कोटी टंका आसुचे केन्द्ररु स्मार्ट सिटी नारे किभली भाबरे ओडिसा वासिंग की भुवनेश्वर वासिंग के माने माने अनुमान आगामी दिन जो माने आधेरे दोषी नधरा जाए दंड न दिया जाए निश्चित भाव लड़ाई जोरदार हम। भारतीय जनता पार्टी जो मो साइकल बिक्री गापबाड़ी तार प्रश्न कर बिक्री है तुम्हें तो साइकल 2000 कि 5 कोटी देकी मेंटेनेंस बाबद कोटे टाइम वर्ष को दिहला पुणी साइकिल एमती अवस्था कौन है मेंटेन हो पारे जहाँफल कि कबाड़िया को बिक्री कर 2018 नवंबर 26 तारीख में राज्य सरकार आरंभ करते मो साइकिल योजना खर्च है 5 कोटी हेले 2.5 वर्ष पर नजर पकातु यह दृश्य उपर कबाड़िया थाना गदा हो 150 रु अधिक मो साइकिल सबू साइकिल रु खोल लक से भिजुआल देखु यही व्यक्ति जनक साइकिल चलाइवा परिवर्ते कांधरे नेउथुबा देखा जाइतला। एमिति काही के बुझिबारु जणा पड़िला व्यक्ति जनक साइकिल टेकु कबाड़ी खाना रे बिक्री पाई नेउथिले जेते बेले पैसा दरकार होईछि बारंबार साइकिल रास्ता रु उठाई चंती आउ बिक्री करी चंती बोली व्यक्ति जनक कहिथिले। कहिबा गले 15,000 टका रे सरकार गोटे गोटे साइकिल को किनिथिले एबे ताको किलो प्रति जदि 50 टका माने गोटे साइकिल को 500 टका जहाँ भी ए पब्लिक प्रॉपर्टी इन्वॉल्वमेंट रोचे कारण आम समस्त फंड यहाँ आईटा भी ग्रहणीय नुहे आईटा भी जहाँ भी आम राजस्व हो कि आम बजेट हिसाब से यहाँ को आम ओडापाई आम समस्त ये लॉस रहा मैटर कचरा में बेचने के लिए ये तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का नहीं है ऐसे आगे पहले की हो कि एक पहली बार है आपका? पहला तो हमेशा है ऐसे हमेशा बेचते हो वो ले लेते हैं लेके क्या करते हैं कचरा में चले जाता। एवं प्रश्न कबाड़ी खाना रे मो साइकिल करुची कौन जदि सजड़ा होगा जाऊँगी ताल केमी उभान हो जाए साइकिल बीएमसी करुची कौन बीजेपी अभियोग साधारण लोकों टिकस को नष्ट करुछंती राज्य सरकार स्मार्ट सिटी नारे सह सह कोटी हरिलुट चली काहीं कार्यानुष्ठान राज्य सरकार। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट दीपक साहूं स्वप्नांजलि महांती रिपोर्ट अर्गस। प्रीति स्वागत एवं आसन देखा ब्रह्मपुर जगन्नाथ मंदिर आरती।